पनावड़ा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकॉन बटन को पाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट को। चौहटन ग्राम पंचायत के सभागार में न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। बाड़मेर जिले के चौहटन ग्राम पंचायत के सभागार में बुधवार को न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में व्यक्तिगत लाभ के मौके पर स्वीकृतियां जारी की गई। राजस्व विवादों के आपसी सहमति से निस्तारण करवाने की प्रक्रिया के साथ ही SDM भूपेंद्र यादव ने कहा कि पारिवारिक विवादों का आपसी सहमति से निस्तारण करना अच्छी पहल है। शिविर में पहुंचे चौहटन विधायक तरुण राय गागा ने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के साथ ही सरकार ने व्यक्तिगत लाभ की योजना ए संचालित कर आम गरीबों को लाभ पहुंचाने के कारगर प्रयास किए हैं। इस मौके पर दर्जनों महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के किट उपलब्ध करवाए गए। वही वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग एवं संयुक्त पेंशन के लिए आवेदकों के PPO आदेश जारी किए गए। इस अवसर पर 75 महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति आदेश जारी किए गए। तहसीलदार तुलसीराम बिश्नोई, विकास अधिकारी बाबू सिंह राजपुरोहित, जिला परिषद सदस्य रूप सिंह राठौर, भाजपा मंडल अध्यक्ष हिंदू सिंह राठौर सहित कई अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। चौहटन से विपिन भंसाली की रिपोर्ट। आवेदन आप कर देते हो फिर वो लंबे समय तक पेंडिंग पड़ा रहता है, तो इसके लिए भी जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उसका भी आज यदि आप आवेदन करते हैं हमारे यहाँ पर हम त्वरित PPO जारी करेंगे। तुरंत आज ही आपने पेंशन के लिए आवेदन किया, आप पात्र हैं तो आज ही आपको हम आवेदन कर देंगे। एक हमारे पास राशन के लेकर के बहुत से डिस्कशन की श्रेणी में शामिल है, तो डिस्कशन में जो मुख्य मुख्य रूप से जो बातें लागू होती है वो मैं आपको बता दूं। उसके बाद आपको लगता है कि भाई हम पात्र हैं तो फॉर्म भरना, अदरवाइज मत भरना, पैसे बर्बाद मत करना। इसमें सबसे पहले लिखा है कि जिसका 40x50 वर्ग फुट का पक्का मकान बना हुआ है तो उसको राशन नहीं मिलेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पता है अपना मकान कितने बाई कितने का बना हुआ है, तो आप देख करके उसके बाद फिर अप्लाई करना। जिसके परिवार की संयुक्त आय 1,00,000 रुपए से वार्षिक से ज्यादा है उसको भी राशन नहीं मिलेगा। ये भी आप स्वयं असेसमेंट कर सकते हो हमारे आय परिवार की सालाना कितनी। कोई सरकारी नौकरी में है या अर्ध सरकारी में स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत है तो भी उसके परिवार को राशन नहीं मिलेगा। यदि परिवार की संयुक्त भूमि 12 बीघा सिंचित से ज्यादा है तो भी उसको राशन नहीं मिलेगा। तो कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी के जरिए अपनी प्रतिक्रिया बता देने का। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। आप लोगों ने हमें उस शिखर पर पहुंचाने का प्रयास किया है जो हम आपके लिए बहुत आभारी है। आपने हमें 2,40,00,000 से भी ज़्यादा बार इस चैनल को देखा है और 63,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर करके हमें एक नई पहल करने की उम्मीद जगाते हुए आपने हमें अपना कीमती समय और सहयोग दिया, उसके लिए हमारी चैनल आपकी और आपके परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आप देखते रहिए पनावड़ा TV।